संस्था इनरीच टुमारो ने अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी दिल्ली के प्रेस क्लब में मनाई। इस दौरान एनजीओ के अध्यक्ष ने बताया कि वो आज उस सभी बच्चों को संस्कृति और हिंदी सिखाने का कार्य कर रही हैं, जो सनातन संस्कृति से दूर हो रहे थे। उन्होंने बताया कि उनका आज एक वर्ष पूरा हुआ है और उसके उपलक्ष्य में उन्होंने दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने हमें बताया कि बड़े ही आराम से हमारे कार्य का एक साल निकल गया और हम चाहते हैं कि बच्चों को हम संस्कृत और हिंदी यूं ही सिखाते रहें। इससे बच्चों के अंदर सीखने की लालसा जागे और वो कुछ कल बेहतर करें और समृद्ध देश बनाएं। उन्होंने आगे कहा कि हमारा नजरिया एक ऐसा भविष्य तैयार करने का है जहां शिक्षा सीमाओं को पार कर शिक्षार्थियों और शिक्षकों को सभी के लिए नए दरवाजे खोले। आपको बताते चलें कि 31 मार्च 2024 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अपने संगठन के सफल एक वर्ष पूरा होने के बाद सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि सीईओ, अध्यक्ष, मीडिया प्रमुख, क्रिएटिव प्रमुख, बोर्ड के सदस्यों और शिक्षकों को आमंत्रित किया गया। मुख्य अतिथि सीईओ, अध्यक्ष और बोर्ड सदस्यों को प्रशंसा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीईओ दुर्गेश नंदिनी सिन्हा, अध्यक्ष अनूप कुमार सिन्हा, कार्यक्रम निदेशक गौरी सिन्हा, मीडिया प्रमुख और कॉरपोरेट संचार सुजीत कुमार, क्रिएटिव हेड गजेंद्र कुमार, खाता निर्देशक राकेश सिन्हा, ट्यूशन कलेक्शन प्रभारी लक्ष्मी सिन्हा, इस अवसर पर ये तमाम लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही अन्य बोर्ड सदस्य भी उपस्थित थे, जिसमें कुमार अमरीश, सुमित सिन्हा, राकेश सिन्हा आदि मौजूद रहे। हमारे सुजीत जी जो बोर्ड मेंबर है, एज वेल एज वो मीडिया एंड कम्युनिकेशन का डायरेक्टर है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, सारा मैनेजमेंट उनका किया हुआ है। एंड सुमित जी, उनका बैकबोन हमारे रहे, मेरे कैसे मैनेज करना है सारा डायरेक्शन उनका था। मैम मेरे थैंकफुल थे, उन्होंने अपना योगदान दिया उसको सफल बनाने में। और हमारे प्रेसिडेंट जो हमारे बिल्कुल बैकबोन है, जिसको आप कह सकते हैं बिना इंडस्ट्री जो काम होता है उन्हें कोई देखता नहीं है, बस सारे काम होने के द्वारा काम होता है, ठीक है। तो हमारे बैकबोन है, बिल्कुल हम बिना उनके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और वो सारा सभी हमारा किसी भी समय फोन करते हैं, उनका हमेशा हमें मार्गदर्शन मिलता है कब कहाँ कैसे आगे प्रोसीड करना है, किस चीज़ को छोड़ना है, किस चीज़ को रखना है, कैसे वो सारा बहुत फैमिली थैंकफुल है। उनका बैकबोन में वो कितना काम करते हैं मुझे पता है, और हर मीटिंग को अटेंड करना, हर मीटिंग को लाइवली और उनका पूरा योगदान, मैं सभी का बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। और इनका बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड है, उन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इस लाइन तक पहुँचाने में मेरी बड़ी मदद की है, मेरे मेरी बड़ी तमन्ना थी। और ये लोग हमारे लिंक हैं और इनके बल पे ही मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। विदाउट देम आई कैन नॉट एडजस्ट, दैट्स द प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर एवरीवन हु इज कमिंग एंड मेकिंग दिस इवेंट